हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं लेकर आई हूँ फिर से एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। तो दोस्तों, ये कहानियाँ केवल लघु कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये आपके जीवन में एक परम निशान बना सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप सभी को इन कहानियों से एक सीख ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ मेरी स्टोरी में इन तक बने रहिए, पूरी सुनिए और समझिए, और कुछ अपने हिसाब से भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इससे क्या सीख मिली। तो शुरू करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। टाइटल है चार रानियों वाला राजा। एक बार एक रईस राजा था जिसकी चार रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। और अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती, वह उसे बताता ताकि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा के सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय कम है, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तो उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। जब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़िंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी करूँगी। अब राजा लादिल बैठ गया था और वह ठंड पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी है और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया है, जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, दूसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ? उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूँगी। राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा, जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति है, दर्जा और दौलत है। जब मरते हैं ये औरों को मिल जाती हैं। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीगण है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक जाएंगे, पर उसके आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार से सलाएं बेध्यान हो जाती हैं, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी चीज़ ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यह दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।